Hey friends, welcome back to my YouTube channel Loveyouzindagi and I am Priya. Guys, आज हम यूपी की बहुत ही फेमस डिश बनाने जा रहे हैं. आज हम बनाएंगे घुइया के पत्ते के पतौड़े. कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा. लेकिन जिन्होंने सुना है उनको अगर बनाने नहीं आते तो आज मैं बहुत ईजी तरीके से घुइया के पत्ते के पतौड़े बनाना सिखाऊंगी. और जिन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है वो देखिए कितने टेस्टी पतौड़े बनते हैं. तो चलिए देखते हैं घुइया के पत्ते के पतौड़े कैसे बनाए. यहाँ मैंने दो गड्डी घुइया की ले ली थी, घुइया के पत्तों की. ये देखिए ये पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं. ये आपने देख रखे होंगे मार्केट में, मंडी में बिकते हैं. इनके पीछे डंडी भी होती है जिन्हें हमने निकाल दिया है, कट कर दिया है. और ये सारे पत्ते हमने निकाल के, उनकी डंडी को निकाल के और इन्हें धो के अच्छे से रख लिया है साफ करके. इन्हें हम कट करेंगे. यहाँ मैंने हींग ली हुई है एक पिंच, एक चम्मच हल्दी पाउडर है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार, दो तीन हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक चम्मच गरम मसाला है, एक बड़ा बोल बेसन लिया हुआ है और यहाँ पर दो नींबू लिए हुए हैं और ये ऑयल लिया हुआ है पतौड़े बनाने के लिए. तो चलिए पतौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं. ये देखिए पतौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम घुइया के पत्ते लेंगे इस तरह से और इन पत्तों को एक के ऊपर एक रखेंगे. ये देखिए इस तरह से हमने रख लिया. इन्हें इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इन्हें सबको फोल्ड कर देंगे, इस तरह से मोड़ेंगे. ये देखिए मोड़ लिया हमने पत्तों को. इसमें तीन चार पत्ते लिपटे हुए हैं और इसे हम कट करेंगे, बारीक बारीक कट करना है. ये देखिए, ये देखिए ये कुछ इस तरह से कट होंगे. ये जिस तरह से आपको दिख रहे हैं लच्छे लच्छे, इस तरह से हम सारे पत्ते कट कर लेंगे एक बार में, तीन तीन चार चार पत्ते लगा के. ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पत्ते हमने इस तरह से काट के रख लिए हैं. और इधर मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम पानी लगाएंगे. ये देखिए मैंने एक जग पानी लगा दिया है और इस पानी को हम गर्म होने देते हैं. पानी हमने गर्म होने रख दिया है और ये पत्ते का जो मिक्सचर है हम तैयार कर लेंगे. ये पत्ते थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं अभी, मैं आधे पत्ते इसमें निकाल के रख देती हूँ और ये आधे पत्तों में, कटे हुए पत्तों में मैं बेसन डालूँगी. थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे, एक साथ सारा बेसन नहीं डालेंगे. ये देखिए आधा बेसन डाल दिया मैंने और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे. इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से. पानी अभी नहीं लगाना है क्योंकि अगर आपने पत्तों को बाद में भी वॉश किया हुआ है तो उसमें ऑलरेडी पानी होता है. पानी का हमें खास ख्याल रखना है, पानी हम अभी बिल्कुल नहीं लगाएंगे. जब एक बार बेसन इस तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद ही हम पानी लगाएंगे. ये देखिए बेसन अभी काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाते हैं. बहुत ज़रा सा पानी लेना है, अगर गलती से भी ज़्यादा पानी हो गया तो बिल्कुल पतौड़े बेकार हो जाएंगे. ये देखिए हमने बहुत ज़रा सा पानी लिया है, बिल्कुल एक छींटे के बराबर, और इसे सारा मिक्स कर देंगे. एक जैसा डो होता है ना वैसा तैयार कर लेंगे. ये देखिए ये पत्ते थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं, तब तक ये जो बाकी के पत्ते हैं इनको भी हम इसमें डाल लेंगे थोड़े थोड़े करके. और इसमें भी हम बेसन डालेंगे. ये देखिए इसी तरह सारे पत्तों को हम अच्छे से मिला लेंगे. ये देखिए इस तरह का हमें डो चाहिए है. अगर बेसन थोड़ा कम लगे तो बेसन आप और डाल सकते हैं. मैं इसमें सारा बेसन डाल चुकी हूँ लगभग, मतलब बेसन इतना होना चाहिए कि जब हम ये पतौड़े बनाएं तो ये बिल्कुल खुले नहीं, क्योंकि इन पतौड़ों को बनाकर हमें पानी में डालना होगा, बिल्कुल खोले हुए पानी में, गर्म पानी में. और ये बिल्कुल खुले नहीं चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएँ और बेसन बाइंड का काम अच्छे से करेगा, बाइंडिंग का काम. उसके लिए ज़्यादा सा बेसन आपको ज़रूरत होगा. ये देखिए फ्रेंड, डो बिल्कुल तैयार हो गया है और इसी तरह से हमें डो चाहिए. जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सख्त है ये डो और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए. अगर ये डो गीला हुआ तो आपके पतौड़े पानी में जाके खुल जाएंगे. तो चलिए पतौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं. कम से कम इतना मिक्सचर मैं ले रही हूँ एक साथ, और इस तरह से हाथ पे रखेंगे
और इन्हें लंबा लंबा रोल करेंगे, ठीक कर देंगे थोड़ा। ये आपके ऊपर है आप कितने मोटे और कितने बड़े पतौड़े बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि वैसे भी इन्हें बाद में काटना है हमें। ये देखिए इस शेप में हम पतौड़े बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पतौड़ा हमने बना लिया। और इधर देखिए पानी भी हमारा अच्छे से गर्म होने वाला है और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम ये पतौड़ा डालेंगे। और ये पतौड़े हमें बना बना कर डायरेक्टली इस कढ़ाई में डालने होंगे, इन्हें हम बना के नहीं रख सकते प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड पानी अच्छे से गर्म हो गया है और ये जो पतौड़ा हमने बनाया था ये हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। और इसी तरह से हम एक और बनाते हैं पतौड़ा। ये देखिए फिर से हमने इतना ही मिक्सचर ले लिया और इसको ऐसे ही लंबा लंबा रोल करेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है और इसको भी हम इसी तरह पानी में डाल देंगे। ये देखिए इसी तरह से बना बनाकर हम सारे पतौड़े पानी में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे पतौड़े बनाकर हमने पानी में डाल दिए हैं और अब हम इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट तक यूं ही मीडियम फ्लेम पर पानी में पकाएंगे। जब ये बिल्कुल गल जाएंगे और ये थोड़े हार्ड भी हो जाएंगे तब हम इन्हें पानी से निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड 5 मिनट पूरे हो गए हैं, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इन पतौड़ों को हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट ली हुई है, इनमें निकाल ले रही हूँ मैं इनको। इस तरह से पानी इनका निकाल देंगे पहले। ये देखिए ये कुछ इस तरह आपको दिखेंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे पतौड़े निकाल लेंगे। ठीक फ्रेंड्स सारे पतौड़े हमने निकाल लिए हैं पानी से और अब हम इन्हें कट करेंगे। ये मैंने एक दूसरी प्लेट ली हुई है, इसमें मैं एक पतौड़ा रखूंगी और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पतौड़ों को कट करके रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड पतौड़े हमने सारे काट के रख लिए हैं। ये देखिए सारे पतौड़े कट के तैयार हैं, अब हम इन्हें छौंकने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम ऑयल लगाएंगे। कम से कम 4 चम्मच हम ऑयल लगा रहे हैं। मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ ऑयल को, आप चाहें तो नाप के भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से, इसमें हम ये जो अजवाइन ली हुई है ये डाल देंगे और इस अजवाइन को अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए अजवाइन डाल दी मैंने और इसमें हम ये हींग डाल देंगे, जो हमने एक पिंच हींग ली हुई थी। हींग को भी अच्छे से भुनने देंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, हल्दी को सौते कर देंगे, चला देंगे। इसमें ये मिर्च डालेंगे, इसमें लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च दोनों ऐड की हुई हैं। ये देखिए और अब इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए हमने पकौड़ों को मिक्स कर दिया और हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट हल्का सा डालना है क्योंकि हम पहले भी सॉल्ट ऐड कर चुके हैं। ये गरम मसाला लिया हुआ है ये डाल देंगे इसमें। ये जो नींबू है हम कम से कम इसमें 2 नींबू निचोड़ देंगे। ये देखिए नींबू का रस निचोड़ दिया मैंने इसमें और इसी तरह से सारे नींबू का रस निचोड़ देंगे। ये देखिए नींबू का रस हमने डाल लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड नींबू डाल के भी हमने पकौड़ों को कम से कम 2 मिनट के लिए गैस पर रख दिया है और 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट पूरे हो गए हैं और पतौड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नींबू की, गैस ऑफ करेंगे और अब ये सर्व करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। मैंने सर्व करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट ली हुई है, मैं इसमें इन्हें सर्व कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स पतौड़ों को हमने सर्व कर लिया है और कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बनाइए, आपको भी इतनी अच्छी खुशबू आएगी और आप भी मज़े से खाइए। और फ्रेंड्स आप भी जब ये पतौड़े बनाएं तो कुछ
दो तीन बातें हैं जो आपको नोट करनी होगी, वो ये है पानी बहुत ही कम लगाना है, बहुत ही जरा सा हल्का सा पानी हाथ में लेकर लगाना है। एक बार पतौड़े गीले हो गए तो ये पानी में जाके डेफिनेटली फैल जाएंगे और आपके पतौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब बनेंगे क्या फिर, ये बनेंगे ही नहीं अच्छे, क्या बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, बिल्कुल ये फैल जाएंगे पानी में जाके। और नमक बहुत ध्यान से डालिएगा पतौड़े बनाते वक्त भी, उनका मिक्सचर, और बाद में उसे छौंकते वक्त भी, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। नींबू जरूर ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा ऐड करिए, तभी ये पतौड़े टेस्टी लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फीडबैक जरूर दें और ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।